यह कि वो सामान समेत हमारे घर से निकल जाएं। माधव, चोट लग सकती थी। वही अरमान जिसे आप चोट देना चाहती हैं। पापा बीच में मत बोलिए। मेरे टाइम पे मासा, आपने ना मुझे कुछ बोलने दिया ना मुझे कुछ करने दिया। गलती हमने नहीं कही माधव, गलती तुमने की। सजा आपको आज तक मिल रही है कि वो दादी सा को मना ले कि आप उसे घर से बाहर ना निकालें। मैं नहीं आता जब तुम्हें पता था कि एक साल के बाद शादी खत्म हो जाएगी, तो पति पत्नी की तरह एक ही कमरे में। पति साहब गलत समझिए, मेरे और अभिनय के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। प्रिंसिपल वुमन, वो सुन रही है सबकी बात लेकिन करेगी अपनी। अरमान, उठ, उठ, उठ। तू डिसाइड करेगा कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। नहीं, जो गलती आपने की थी मैं वो गलती नहीं करूंगा। मैं आज मालूम और मीरा के बीच में एक को चुनना होगा। अरमान की हालत इसीलिए ख़राब हुई है क्योंकि मैंने अभीरा को कह दिया कि वो सामान समेत हमारे घर से निकल जाएं, क्योंकि उसे पता चला है कि ये जो शादी थी ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था। एंड शी इज़ वेरी वेरी अपसेट, जो हमारे फैमिली में ये होता नहीं है और ये हुआ है, तो इसी की वजह से शी वो जा रही है अपने रूम में है। एंड अरमान ट्राई करता है कि वो दादी सा को मना ले कि आप उसे घर से बाहर ना निकालें। बस यही रिएक्शन है कि वो मानेंगी नहीं, शी विल नॉट मानो बिकॉज शी इज़ वेरी प्रिंसिपल वुमन। वो सुन रही है सबकी बात लेकिन करेगी अपनी। चारू तो अपना उसका एक ट्रैक चल रहा है एंड अभीरा इज़ ट्राइंग अ बेस्ट टू हेल्प। जैसे अरमान ने कहा कि उसने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो चारू को भी हेल्प कर रही है।